हार्दिक पांड्या के तलाक के बाद का उनकी 70% संपत्ति उनकी पूर्व पत्नी नताशा को मिल गई है। ये खबरें सोशल मीडिया पे वायरल हैं। हालांकि अभी तक ना तो तलाक की पुष्टि भई है ना पैसों के लेन देन की पुष्टि भई है, लेकिन खबरें तो खबरें हैं। और खबरें ये हैं कि हार्दिक पांड्या को टेम खराब चल रहा है, उनको अपनी पत्नी नताशा के संग रिश्ता खराब हो गया है और कही जा रही है कि दो जन ने अपने रास्ता अलग कर रहे हैं। हाल में ही एक दूसरे व्यक्ति के संग नताशा नजर भी आई हैं। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हैं और इसके संग ही ऐसी खबरें भी आई कि तलाक के बाद हार्दिक पांड्या की संपत्ति में से नताशा को 70% हिस्सा मिले। इन बातों को कोनू अभी तक आधार तो नहीं आ, लेकिन खबरें काफी गर्म है। लेकिन ए बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जी में लोग बता रहे हैं कि देखो हार्दिक पांड्या कितने दिमागदार हैं। दरअसल हार्दिक पांड्या ने अपनी संपत्ति खुद के नाम पे करी ही नहीं है। उनको एक वीडियो को पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आप पहले उनको छोटा सा हिस्सा सुनो, फिर आपको आगे की कहानी बताएं। मेरे नाम पे मैं नहीं लूंगा 50% किसी को देना नहीं आगे जाके। तो भैया प्रॉपर्टी को लेके बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या और कह रहे हैं कि उन्होंने अपने हर अकाउंट में अपनी माँ को नाम साथ में रखे हैं। इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टी भी माँ के नाम पे है, गाड़ी घर सब कुछ माँ के नाम पे है। बोले हमारा कोनो भरोसा नहीं है, हो सकत हमें अपनी संपत्ति को कबो को 50% देने पड़े, सो जो हम देवो नहीं चाहू। और अब यही वजह से लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या तो देखो कितने स्मार्ट हैं, वे जानते कि नताशा के संग उनको तलाक कभी भी हो सकत है और यही वजह से उनने पहले ही से दिमाग से काम करे और अपनी प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम कर दी है। हालांकि निजी जीवन में हार्दिक पांड्या की तकलीफों को देखत भय उनके फैंस और क्रिकेट जगत से जुड़े लोग उनके लाने संवेदनाएं रख रहे हैं। यही बीच नताशा अपने सामान्य जीवन में दिखाई दे रही हैं, कभी भी जिम जा रही हैं, कभी खाना खावे जा रही हैं रेस्टोरेंट में। लेकिन अबे तक की चर्चाओं और खबरों को ना तो नताशा ने खंडन करी है और ना हार्दिक पांड्या ने, और यही से लग रहा है कि इनको रिश्ता तो या तो टूट रहा है या टूट गया है। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या ने अपनी संपत्ति माँ के नाम कर दी हुई है तो नताशा को शायद वो पैसा नहीं मिले जो वे उम्मीद लगाए हुई है। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज taught in 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।